अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम करेंगे टॉप की कटिंग। ये जीन्स पे भी बहुत अच्छा लगता है और ये जो आजकल प्लाजो जीन्स आया है, बॉयफ्रेंड जीन्स जिसे कहते हैं, उस पे भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आइए कट करते हैं। हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा है तो हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हम एक साइड से, ये अलग के साइड से हम मोड़ लिए हैं, 4 फोल्ड कर लिए हैं। देखिए ये 10 इंच है, ये आपको छाती के हिसाब से रखना है। तो छाती हमारी 32 है, तुम्हारा 8 आ जाएगा और 1 इंच मार्जिन में जाएगा। तो ये हमें 9 इंच कपड़ा चाहिए तो इसमें 10 है, तो ये हमारा बन जाएगा। तो हम नाप लेंगे, तो ये हम 1/2 इंच ऊपर मार्जिन ले लेते हैं। ये हम छाती की लंबाई लेंगे, छाती की लंबाई हमारी 6.5 इंच आएगा। तो ये हम 6 पे मार्क कर लिए हैं, 6 पे लंबा कर लेंगे। इस पर छाती की गोलाई ले लेंगे, छाती की गोलाई को 4 से भाग करके इस पर ले लेंगे। तो छाती की गोलाई 32 है तो इसमें हम 8 ले लेंगे। यहाँ हम कमर की, अब हम जितना हमें बनाना है बॉडी उतना हम ले लेंगे। तो ये हमें 13 का बनाना है तो हम 13 इंच पे लंबा कर लेंगे। 13 पे हमारी 28 इंच आया है तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ हम 7 पे मार्क कर लिए हैं। तो कंधा हमारा 13 इंच है तो यहाँ हम 6.5 पे मार्क कर लेंगे। कमर वाली लाइन को छाती वाली लाइन से मिला लेंगे और कंधे वाली लाइन को हम बस लंबा कर लेंगे। अब हम आर्म होल बना लेंगे इस तरह से गोल करते हुए। तो ये हमारा आ गया है। अब हम मार्जिन लेंगे, तो मार्जिन हम 1.5 इंच का ले लेंगे, आपको जितना रखना हो मार्जिन उतना रख सकते हैं। ये हम 1.5 का लिए हैं, आप 1 का भी ले सकते हैं। ये हम 1.5 पे मार्क कर लिए हैं। आर्म होल में हम बस 1/2 इंच मार्जिन लेंगे, ये हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए घुमा लेंगे। तो हमारा 1/2 इंच मार्जिन आ गया है और नीचे भी हम बस 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे। इसे भी हम लंबा कर लेंगे। बॉडी का निशान लग गया है, ये हमारा सिलाई वाला लाइन है और ये हमारा कटिंग वाला लाइन है। ये हमारा बॉडी कट गया है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे और घेर बनाएंगे। फिर से हम एक साइड से 4 फोल्ड कपड़ा कर लेंगे और स्लीव्स निकाल लेंगे। तो ये हम 1/2 इंच ऊपर मार्जिन ले लेंगे स्लीव्स में भी और यहाँ से फिर 3 इंच नीचे ले लेंगे। आर्म होल बनाने के लिए हम 3 इंच नीचे लेंगे, यहाँ से फिर लंबाई स्लीव्स की लंबाई जितना रखना है हमको उतना ले लेंगे। तो ये हम 15 का स्लीव्स बनाएंगे और 1/2 इंच हम मार्जिन रखेंगे, लंबा कर लेंगे। अब हम यहाँ आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल बनाने के लिए हमें यहाँ 1.5 इंच पे पकड़ना है, इस तरह मार्जिन वाले लाइन पे 1.5 इंच पे पकड़ना है और फीता को इस तरह से घुमाते हुए ले लेना है। तो काक हमारा 15 है तो 1/2 लेंगे हम, 7.5 पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ 7.5 पे मार्क हो गया है। अब इस तरह से घुमाते हुए हम गोल कर आर्म होल बना लेंगे। काक की गोलाई बन गई है, यहाँ पर बांह की गोलाई लेनी है। तो बांह की गोलाई हमारी 8 इंच है तो हम 4 ले लेंगे। ये हम 4 पे मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों लाइन को मिला लेंगे, हमारा आ गया है। अब हम इस पर भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस यहाँ भी हम 1/2 इंच ऊपर मार्जिन ले लेंगे। ये हमारा स्लिप्स भी कट गया है, अब घेर कट कर लेंगे। अब हम बचे हुए कपड़े से घेर निकाल लेंगे। हमारे पास इतना कपड़ा बचा है, हम सारे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए बिठा लेंगे और बस बीच से कट कर लेंगे। इसको बस बीच से ऊपर से कट कर लेना है और ये हमारा जितना लंबा है इतना लंबा हमारा घेर आ जाएगा। फ्रंट कटा हुआ कुर्ती बनाएंगे तो इसको हम पहले गोल गला ले लेंगे। तो ये 1/2 इंच
इधर मार्जिन ले लेते हैं। आर्म होल में हम आधा इंच मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच फुट ले लेंगे। ये 3 वाले लाइन को लंबा कर लेते हैं और ये आधा इंच ऊपर मार्जिन था हमारा, तो इसके नीचे से हम लेंगे तो 5 इंच का हम गला ले लेंगे। हम इसको गोल करते हुए गला बना लेंगे। इसको हम यहाँ से नीचे तक कट कर लेंगे। ये हम फ्रंट कटा हुआ कुर्ती बना रहे हैं तो इसको हम फ्रंट कट कर लेंगे। पहले हम गला कट कर लेते हैं, गले में भी आधा इंच मार्जिन। तो ये हमारा फ्रंट कट हो गया है। अब हम इसमें पट्टी लगा लेंगे और इसको सिल लेंगे। इस तरह से लंबा सा एक पट्टी कट कर लेना है आपको। ये हम बीच में लगाएंगे, ये फ्रंट जो हम कट किए हैं उसके बीच में लगा लेंगे। इस तरह से बीच में पट्टी को बिठा देना है और दोनों पल्ला को बिठा लिए हैं और इस तरह से घेर में हम चुनन बनाकर रख लेंगे, चुनन बनाकर डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा हमारा। देखिए ये हम चुनन भी बिठा लिए हैं दोनों साइड और ये पट्टी हमारा बीच में आ गया है। अब इस पट्टी में हम बटन ऐड करेंगे। ये हमारा आगे पल्ला तैयार है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे, इसका कोर मोड़ लेंगे और पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। इसी तरह से हम पीछे चुनन बना लेंगे। बस ये हमारा पीछे पट्टी नहीं आएगा, ये पूरे में हमारा पीछे चुनन आएगा। तो ये हम पीछे का पल्ला भी तैयार कर लिए हैं। अब हम दोनों पल्ला को रखकर ऐड कर लेंगे। ये कंधा ऐड कर लेंगे हम दोनों। ये हमारा कंधा दोनों ऐड हो गया है। हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। देखिए ये हमारा कंधा ऐड हो गया है। तो ये खुले में हम स्लीव्स लगाएंगे, बदन सिलने के बाद नहीं लगा रहे हैं। ये हम बस कंधा जोड़ने के बाद स्लीव्स लगा रहे हैं। इस तरह स्लीव्स लगाना आसान होता है। बस इसे इस तरह से रखना है और इसे हमें उल्टा, ये हम कपड़ा हमें सीधा रखना है और ये हमें उल्टा रखना है। इस तरह से हम ऐड कर लेंगे अपने स्लीव्स को। तो देखिए हमारा स्लीव्स भी ऐड हो गया है। अब हम साइड सिल लेंगे और बटन लगा लेंगे। ये हम बटन भी बिठा लिए हैं और फिटिंग भी लगा लिए हैं। तो ये हमारा टॉप तैयार है।